कमलेश तिवारी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन मुलजिमों को हिरासत में लिया है। तीनों गुजरात के सूरत शहर में मामूली नौकरी करते हैं। यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि 2015 में कमलेश तिवारी ने एक भड़काऊ बयान दिया था जो उसकी मौत की वजह बनी। एक चीज मैं यहां बता दूं कि 2015 में जो भड़काऊ भाषण मृतक ने दिया था उसी के मद्देनजर इन लोगों ने उसकी हत्या कराने की हत्या की, और जो हमें इन्फॉर्मेशन्स मिले हैं ऐसा लगता है कि इसकी प्लानिंग की गई, और जो तीन संदिग्ध अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक ने प्लानिंग किया, एक ने उसको इंस्टिगेट किया, इनफैक्ट इट वाज अ रेडिकलाइज्ड ऑपरेशन, और तीसरे ने मिठाई की दुकान में एक मेन अभियुक्त है उससे उसके साथ जाकर उसने मिठाई खरीदी। यूपी पुलिस ने दो संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, लेकिन उनकी निगरानी की जा रही है। जो दो व्यक्तियों को हमने अभी फिलहाल इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया है उसमें एक राशिद का भाई है और दूसरा एक गौरव तिवारी है जो सूरत का रहने वाला है। इस गौरव तिवारी ने मृतक को कुछ दिनों पहले मोबाइल से कॉल किया था और कॉल करने के बाद इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके संस्था में यानी हिंदू समाज पार्टी में शामिल होकर सूरत और अन्य जगहों पर काम करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेवारी मुझे दी जाए। इस पर क्या वार्ता हुई उसका कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इन दोनों व्यक्तियों पर भी, इन दोनों संदिग्ध अपराधियों पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। इस हत्याकांड के हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि उन हमलावरों की गिरफ्तारी पर इस हत्या की कहानी पलट सकती है। अभी फिलहाल कोई लिंक नहीं मिल रहा है, बट यू नेवर नो, जब हम इंटेंसिव इंटरोगेशंस करेंगे और दो तीन अभियुक्तों को और पकड़ेंगे तो हमें एक डिफरेंट पिक्चर न मिले इसकी भी संभावना हो सकती है। वहीं कमलेश तिवारी की मां ने अपने बेटे की हत्या के लिए स्थानीय बीजेपी नेता शिव कुमार गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। शिव कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव कुमार गुप्ता, हमसे किसी ने नहीं पूछा, वहां पर किसी ने ये प्रश्न नहीं किया, बस ये प्रश्न किया क्या चाहती हो। हम मिट्टी चाहते, एक बजे से मिट्टी मिलत 2 बजे रात। कमलेश तिवारी की पत्नी ने कहा कि उनके पति को रोज धमकी भरे फोन आते थे। उन्होंने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग करके योगी सरकार को सौंपा भी था, लेकिन उनकी शिकायत दबा दी गई। इतनी बड़ी दुश्मनी रहा है, सबको पता रहा है, सब रोज फोन आते थे, तुमको मार देंगे, भाई तुमको मार देंगे, रोज फोन आते रहे, ना के दाने फोन हर जगह लगावत रहे, कैसे भी बनवाए लेकिन कोई ना सुने। योगी क्या था, कैसे गए गए फाइल वो दाग देने, कोई सुरक्षा नहीं दी, रोज फोन आवत रहे रोज। यूपी के सीतापुर के रहने वाले कमलेश तिवारी 2015 में एक भड़काऊ बयान देने के बाद सुर्खियों में आए थे। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजा गया था और फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर थे। कमलेश के परिवार का आरोप है कि लगातार धमकियों के बावजूद यूपी सरकार उनकी सुरक्षा कम करती जा रही थी और इस हत्या के लिए यूपी की योगी सरकार जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।